आप यहाँ होते या नहीं होते मैं नहीं देश देश के वो दा दा सब लोग बताए राजा जनक जी के द्वारे हैं। जोधा बलकारी वीर पुरुष करके आए तैयारी बताए राजा जनक के द्वारे हैं। पड़ी है कमान जिसे होए अभिमान उठे क्षत्रिय जवान बल देखने तुम्हारे हैं। जिस किसी योद्धा को भी अपनी वीरता पर भरोसा हो वह इस मैदान में आए और इस धनुष का जिला चढ़ाए। जो इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वही सीता माता का पति कहलाएगा। आइए काशी नरेश अब आपकी बारी है। हा, 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 चढ़ा दे।
महाराजों के महाराज आइए अपना बल दिखाइए। चिल्ला चढ़ा दूं एकदम पांच सात का, कर्तव्य है मेरे बाएं हाथ का। मुश्किल ही क्या, हैरानी है मुझे, लकड़ी का है या किसी और का। डायल करो सिले
ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕੇ ਬੁਰਰਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਧੋਖਾ ਧੋਖਾ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨੇ ਧੋਖਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੇ ਕੰਨੇ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਈ ਆਓ ਇੱਥੇ ਕੇ ਦੰਦ ਪਾਈ ਇਸ ਸਾਲ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋੜੇਗਾ लेकिन वो भी नहीं स्थिर चुका शक्ल दिखे एक सेवली पेंडी चुकाई ना इतने का करीना अब आपकी बारी है। सदने की कोई जरूरत नहीं हम बगैर काटू पैसे भी ब्याह में जाते हैं वो मामा लग रहे जो मर्जी है ये क्या है और इसके सपने ऐसे मुरझाया घमसान है वो क्या डाले आंखों में आ गई धूल हमको नहीं लगता ये चुकेगा हमसे पूछ पहले शाल एक दिन मैं तुझे अपने महलों में ले जाऊंगा।
पानी की आशा करना बिल्कुल बेसुध है, क्योंकि बल और वीरता ही इनसे नाबूद है। यदि मैं पहले से यह जानता तो स्वयंवर का इरादा कदापि न ठानता, परंतु अब क्या हो सकता, जो प्रण कर चुका उसे निभाना पड़ेगा, अन्यथा सीता को तमाम उम्र घर में बिठाना पड़ेगा। जाइए, चले जाइए, स्वयंवर बर्खास्त किया जाता है, कृपया करके आप सभी अपने अपने घरों को लौट जाइए और औरतों में बैठकर शेही जताइए। बस बस महाराज, अपनी जुबान को संभालिए और ऐसे अनुचित शब्द अपने पक्ष न निकालिए। यौन धर्म बुलाकर किसी का अपमान करना पाप की अकलमंदी है, बल्कि आला दर्जे की खुद पसंदी है। जिस सभा में एक बच्चे की मौजूद हो वहां ऐसे शब्द कहना बेजुद है। क्या महाराज श्रेष्ठ को यह मालूम नहीं कि उनकी इस सभा में 102 धनुर्धारी ब्रह्मचारियों का मौजूद है? ना सोचते हो ना विचारते हो, अरे जो मुख में आता है निकालते हो। अब सबसे बड़े राजाओं ने इस धनुष का चिल्ला नहीं चढ़ाया तो आपने हम सबको कायर और बुझे कराया। इस बदजुबानी का मजा इसी पक्ष खा रहा था, अरे पल भर में खून की लंगर बहा रहा था। अगर बड़े भाई की आज्ञा से मजबूर वरना आपकी क्या मजदूर, इस कदर जुबान चलाते और हम सबकी इज्जत रातों को इस पट्टे में मिलाते। टेढ़ा पद जुबान से होना नहीं है ये, बच्चों के खेलने का खिलौना नहीं है ये। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान कहां सह सकते हैं? दिन में सुनने की ताकत नहीं, चुप कहां रह सकते हैं? ये उल्टी सीधी बातें मिथिलेश जनक ने कह डाली, ये बाण हृदय में चुपते हैं। पृथ्वी है वीरों से खाली, जल को फल फल को जल, अरे तोड़ लाओ मैं चांद सितारों को, सुरमे की तरह पीस तन इन पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर ये गला सड़ा धनुष ना जाने किस गिनती में है, अरे सैकड़ों कोसों तक ले भागू, इतना बल तो मेरी उंगली में है। प्यारे भाई लक्ष्मण, तुझे मैं तुम्हारा ख्याल है, जरा अपने आप को संभालो और हर पहलू पर नजर डालो। सुनो रघुनंदन, सुनो रघुराई, ये तो ही ना मुझे गारा है, कृपा है गुरु के चरणों की, जय बल और प्रताप तुम्हारा है। मैं अभिमान क्या कर कहता हूं, आज्ञा इन चरणों की पांव में, ये खला सारा धनुष तो क्या सारा का सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। मैं बना देता टुकड़े टुकड़े इस धनुष के, यूं गुस्सा दिलाना मुनासिब नहीं, मगर भ्राता की आज्ञा के बिना हाथ लगाना इसको मुनासिब नहीं। खून की गर्मी है ये, इसमें नहीं इसका कसूर, है उम्र का तकाजा, है सिंह का ये कसूर। हे राजा अपनी जुबान को संभालिए वरना घड़ी में घड़ियाल हो जाएगा और ये सारा का सारा सौम्र क्षत्रियो के खून से लाल हो जाएगा। मगर ये सब के सब नालायक इस कदर ला गुलाम है जैसे किसी के खरीदे हुए सबके सब गुलाम है। अफसोस कौमियान पर मिटने वाले सबके सब शहजादे किस तरह से नीचा किए दाले सुन रहे हैं। अगर लक्ष्मण ये बर्दाश्त नहीं कर सकता बहादुर भाई लक्ष्मण, ये महज तुम्हारा ख्याल है, अन्यथा तुम्हें कायर
और बुजदिल कहने की किसकी मजाल है। जब तुमने इस धनुष को हाथ तक नहीं लगाया तो तुम्हारी बहादुरी में कैसा फर्क आया। हाँ, वह इस गिनती में आ सकते हैं तायर और बुजदिल कहलाए जा सकते हैं जो इसे अपनी जगह से ला पकड़ा सके। कोई मनुष्य तुम्हें ऐसे शब्द कहे और रामचंद्र सुनता रहे, कदापि नहीं। फिर हम जहां अपनी इच्छा से नहीं आए, मुनि विश्वामित्र जी हमें जहां लाए हैं वह हम दोनों के स्वामी हैं और उनकी आज्ञा के बिना बाहर कदम रखना सब खानी है। और सोचो, यदि पिताजी इस बात को सुन लेंगे तो वो कितने लज्जित होंगे, वो कितने क्रोधित होंगे, मुमकिन है हमें दंडित करें। शांत बेटा लक्ष्मण, शांत, जरा धीरे से काम लो। और बेटा राम, अब इस बात का इंतजार है, सब अपना अपना जोर दिखा चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। निस्संदेह विजय तुम्हारी ही होगी और स्वयंवर की शर्त तुम्हारे ही नाम तय होगी। जो आज्ञा बुझेव हुक्म गुरु जी आपका, सर्माथे मंजूर, अब तक तो चुपचाप था मैं भी मजबूर। आशीर्वाद है आपका अगर राम के साथ है मुनिवर, अगर राम के साथ मुश्किल तो कुछ भी नहीं है मामूली बात। लेकर तेरा आसरा चला मैं करने काज, भगवन चला मैं करने काज, हे ईश्वर हे ईश्वर रखियो मेरी इस भरी सभा में। इसको बोलो थोड़ी इस साइड थोड़ा सेंटर में, उधर पेड़ है यार, उधर पेड़ है, इधर आ जाइए। शुभ ज्योति के पुंज अनादिरूपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता, निर्मल बना दो हे देव सविता, ऋषि देवताओं से नित्य पूजित हे वर्ग भव बंधन मुक्ति करता, स्वीकार कर लो बंधन हमारा, पावन बना दो हे देव सविता, निर्मल बना दो हे देव सविता। देखिए अब इस कुमार का कैसे चिल्ला करता है। वो भी हमने गुच्छे ले लिए, हाँ, तोड़ा।
पर पड़ गए बल, क्यों रुक गए हिलते समुद्र, क्यों हो गए चंचल अचल, मुख पर आ गया पसीना और मन आतुर हुआ, क्यों आज अकारण शिवजाप बंजन हुआ। हे महादेव, हे महाकाल, हे गुरुदेव, आज कुछ अनिष्ट हुआ। महादेव, महाकाल, गुरुदेव, इस जगत का कल्याण करना। महाकाल, सब पर कृपा दृष्टि बनाए रख। वाह वाह, ये रौनक, ये नजारे, मानो धरती पर उतर आए हो सूर्य चांद और सितारे। ये जनकपुरी का महल है या कोई स्वर्ग का स्थान, अंदर चल के पूछ परशुराम तो बाहर खड़ा हरा। शंकर महादेव की जय। क्यों राजन, आज जनकपुरी में बड़ी खुशियां मनाई जा रही है। सारी जनकपुरी को ऐसे सजा रखा मानो सारे का सारा स्वर्ग लोग पृथ्वी पर बुला रखा। प्रणाम मुनिवर, कल्याण मुनिवर। आज मैंने अपनी पुत्री सीता को स्वयंवर रचाया, जिसमें मैंने ये प्रण कर रखा था कि जो कोई इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही मेरी पुत्री सीता का पति कहलाएगा। सीता की जय। सीता के दुश्मनों की खय, सुहागटल सब कार्य सफल।
हैं? अरे हैं? वही हुआ, वही हुआ जिसका मुझे संदेह हो रहा था। ये क्या शत्रु खंड खंड कर दिया? किसने मेरे गुरु का अपमान किया? जल्दी बता राजा जनक, किसने शिव धनुष को तोड़ा है और गुरु सभा में किसने सीता से नाता छोड़ा है? जल्दी उसकी शक्ल बता, वरना सब चौपट कर डालूंगा। पृथ्वी पर जितना भी तेरा राज्य है सब उलट पुलट कर डालूंगा। किसने इसे तोड़कर अपनी मौत को ललकारा है? उसका सर उड़ाने के लिए मेरे पक्ष की तारा है। एक कदम भूमि से जाने न दूंगा, पहुंचाऊंगा नर्क स्वर्ग पाने न दूंगा। काम चांद बूझ कर परशु से टकराया है, एक नजर पर के दे उसका काम आया है। मेरे परशे में जो टंकार है इसे किसी गर्दन का ही इंतजार है। परशु के नाम से पर्वत भी काम जाए, वृक्ष भी मेरे गुस्से को भाग जाए। प्रधान मुंबर, जे शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने किया है ये अपराध वह दास तुम्हारा ही होगा। राम दास वही कहलाए जो दासों वाले काम करे, वो दास ही क्या जो अपने गुरु का अपमान करे। सुख का संवाद भी कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है अपना नाश करवाता है। अरे मीठे गन्ने को देखो कैसे कानों में पीड़ा जाता है। भैया ने मीठे शब्द क्रोध तुम्हें चढ़ाया है, सबसे पहले बोल उठे इसीलिए दोषी ठहराया है। ठीक है, दोषी हम ही सही, अरे अपराधी भी हम ही सही। ये विष हम ही ने छोड़ा है, तुमको जो करना है कर डालो। शिव धनुष मेरा काम नहीं तोड़ा है। ओ गुस्ताख, तूने मुझे सीधा साधा मुनिवर जान लिया और इन छोटे छोटे राजाओं ने मान लिया। शायद तुझे मेरे परसे की खबर नहीं, बच्चा समझ कर नहीं मारता, वरना मार के गांड उतारता। मारे पैदाशी ब्रह्मचारी तेज बलारी कई शक्तियों को खा के सह दिया। क्यों माँ बाप के दिल के टुकड़े करेगा और बिन मौत मरेगा। महाराज बच्चे को बगल में रखिए, कहीं हवा ना लग जाए। आज जनाब क्या है, आपसे दाव क्या है? खेल कूद में ऐसे हजारों लाखों धनुष तोड़ डाले, अरे कम उठे के कम उठे मरो डाले, पर किसी को हेल्प नहीं हुई। हाँ जी, शिव का गला सारा धनुष टूट गया तो जनाब का जीत टूट गया। आपको क्या गैरत हुई, मुझे तो गैरत। ओ नन्ही नराम, छोटा मुंह बड़ी जुबान, क्यों नाहक गुस्सा दिलाए मुझे इतना? तुझे मालूम नहीं मुझ में दम है कितना। अभी तो तू है मेरी टांग के बराबर, फिर शाम दिखला तो है मेरी शान के बराबर। मेरे समझाने से यहां से डरा नहीं जाएगा, तो सोच सभा वालों, ये नन्हा बालक मेरे हाथों से मारा जाएगा। महाराज आपकी नजर में धनुष कंगरी पर्वत के समान था, मगर हमारी नजर में एक तिनके के समान था। किने जरा सा हाथ क्या लगा दिया, क्या इसमें विष मिला दिया? अगर धनुष अपने आप भी टूट जाए तो इसमें किसी का क्या कसूर? समझे हजूर। ओ राजकुमार, क्या कह रहे हो तुम? रहम करता हूं बच्चा समझकर, वह तुझ पे कुछ असर भी नहीं। जा चला जा, चला जा, इसी में है तेरी बेहतरी, वरना गर्दन पे होगा ये सब नहीं। मेरे जैसे बच्चे को डराना कैसा, मौत के पुख पार को उड़ाना कैसा? ये तेरा परसा तुझे मुबारक, अरे जिसने घर का लहू है चाटा, तू है तेरे हाथों पर जिसने अपने मां का सर है कटा। महाराज लक्ष्मण पर कोई गुरु का खून नहीं, जो हाथ लगाने से मुर्झा जाएगा। अरे आग दिखाइए हजारों पर से, ये दिल हरे का
बात का कतई डर नहीं, कफो खत नहीं, बिल्कुल बल का लिहाज जनाब कागज तास देने का यही सबक, वरना वरना क्यों कर लोगे तुम, वरना बिखरे हुए शेर को रोका है किसने, तूफान के तपेरों को टोका है किसने, मगर महाराज ब्राह्मण और गौ से रघुवंशी उलझा नहीं करते, बल्कि उनकी रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते हैं, और विश्वामित्र इसकी जुबान को थाम क्यों नहीं लेता, मारा इसका रघुवंश में मातम छा जाएगा, क्रांति का आलम छा जाएगा, मैं कौन हूं इसे बता दे, मेरे पीड़ता क्यों है इसे जता दे, आज इसके सर पर मौत सवार है, कुछ और ही होनहार है। आप गुरुजी महाराज को कष्ट क्यों दे रहे हैं, क्या अपने मुंह से अपनी तारीफ कम कर रहे हैं, जो कहना है मुझसे कहिए, चुप न रहिए, बहादुर शूरवीरों को मारकर कभी तमते नहीं, अरे आप अपने मुंह मियां मिठू बनते नहीं, लेकिन जब बहादुर खामोश होते हैं तभी बुजदिल पूरे जोश में होते हैं, महाराज आपको क्या अच्छा लाया, लगता है कि आपको यहां आपका काल खींच लाया, मुझसे उलझिए उलझ नीचे ना समझिए, मुनिवर ये बच्चा है, इसे बच्चा समझ के माफ कर दीजिए, ये बच्चा नहीं जहर की फेल है, समझ रखा क्या इसमें मुझे खेल है, क्यों निकल पड़े इस कदर में उनसे, अरे मैं कूंगा क्यों तेरी शर्म से, ये खुद करे मौत की जुस्तजू, जरा तू तो इसे मेरे रू करू, तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं, अरे डाला दोनों में बताशा नहीं, और कह तुझे बताता हूं मैं, मुझे सरकशी का चखाता हूं मैं, ये जी दर्शी बक्की दिखा और दो, अरे पीके मजे हैं चखा और दो, शरारत तेरी साफ पतला रही है, मौत तेरे सर पर मंडरा रही है, मैदान में कैसे है तेरा मेरा, अरे डर का पर्चे से नहीं लक्ष्मण नाम है मेरा, मुनिवर जब आपको इसके कसूरवार होने से खुद इनकार है तो लड़ना बेकार है, मेरा क्या इख्तियार है, ये खुद अपनी मौत का तलबदार है, लक्ष्मण तुम मुनिवर को अधिक न पाओ और मेरे पास आओ, मुनिवर अपने क्रोध को थाम लीजिए और मेरे साथ कलाम कीजिए, पहले इसको मेरी नजरों से दूर कर दो और फौरन यहां से काफूर कर दो, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा, लक्ष्मण शांत शांत लक्ष्मण शांत, मुनिवर ये अब आपको कदापि नहीं सताएगा, कहिए मेरे लिए क्या आदेश है, क्या वास्तव में ये तुम्हारा ही कसूर है, मुनिवर आपने मेरे बल को कब अजमाया है, मुझे संदेह है इसकी धनुष का चिल्ला तुमने चलाया, मुनिवर अगर आपका ये संदेह है तो आप मेरे बल को अजमा लीजिए, लीजिए इस धनुष का चिल्ला चढ़ाकर इसको सम्मान कीजिए और मेरा इत्मीनान कीजिए, मुनिवर देखिए धनुष का चिल्ला चढ़ गया, परशुराम ये तूने क्या कर दिया, लगता है राम अवतार हो चुका है, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा इत्मीनान हो गया प्रभु, राम अवतार हो गया, परंतु हमारा इत्मीनान नहीं हुआ, आपका इत्मीनान कैसा प्रभु, मेरा इत्मीनान ऐसा कि जब मेरा चिल्ला कमान पर चढ़ता है तो बिना किसी के प्राण लिए वापस नहीं आता, तो ये किसकी जान लेगा प्रभु, सामने तो आप ही हैं, बस बस प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मुझे संदेह था कि ये धनुष किसी अजीब प्राणी ने तोड़ा है, प्रभु आज मुझे ज्ञात हुआ कि राम अवतार हो चुका है, प्रभु मैंने आपकी महिमा नहीं जानी इसीलिए हुई मेरी हानि,
ठीक है, अगर मैं राम हूं तो आप परशुराम हैं, परंतु आपको भी मुझे एक वचन देना होगा। कैसा वचन प्रभु? कि आगे से आप कभी भी शस्त्र नहीं उठाएंगे और ना ही कभी किसी क्षत्रिय के मुकाबले में युद्ध में आएंगे। प्रभु मैं आज ही यह इकरार करता हूं कि आज के बाद कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा और इसी पल विंध्याचल पर्वत पर वापस चला जाऊंगा, सारी उम्र ईश्वर भक्ति में गुजारूंगा। परंतु प्रभु ये तीर दक्षिण दिशा की ओर जाने दीजिए, वहां राक्षसों ने बड़ा उत्पात मचा रखा है, इससे सज्जनों का उपकार होगा और राक्षसों का नाश होगा। ठीक है, आज आपको पा करके मैं परमानंद हुआ प्रभु, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जाइए और पसंद करिए। दिल का सारा भ्रम दूर हुआ, दुनिया में रामा दाग हुआ। बोल दिया।